अहम खबर यह है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक मशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन एहतसाब अदालत में अचानक बेहोश हो गए। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने डॉक्टर आसिम को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत भी दे दी है। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकास खान से। वकास, बिलाखिर रिलीफ दिया गया है डॉक्टर आसिम को? जी शुक्रिया। देखिए, 462 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस है कि समाअत आज होनी थी। डॉक्टर आसिम हुसैन एहतसाब अदालत पहुंचे और कुछ देर बाद उनकी तबीयत नासाज हुई, जिसके बाद जियाउद्दीन अस्पताल का अमला एम्बुलेंस के साथ यहां पर मौजूद था और उनका ईसीजी चेक किया गया, ब्लड प्रेशर चेक किया गया। मामला कुछ नासाज था, लेकिन इनकी जानब से, वकला की जानब से दरख्वास्त दायर की गई कि बैरून मुल्क जाना है इलाज की गर्ज से। अदालत ने इनकी ये दरख्वास्त मंजूर कर ली। 7 मार्च तक समाअत मुलतवी कर दी। इनको स्ट्रेचर पर वापस ले जाया गया और इसके साथ साथ 17 अरब करप्शन रेफरेंस की जो समाअत थी उसकी तारीख भी नजदीक थी। अदालत ने वकला की जानब से ये भी दरख्वास्त की है कि ये दोनों दरख्वास्तें तय की तारीख पर सुनी जाएं। 17 अरब रेफरेंस की जो समाअत है वो भी 7 मार्च तक मुलतवी कर दी और 462 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस की समाअत थी 7 मार्च को मुकर्रर कर दी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।